क्या बोलना, तुम पहले सो नहीं रहे थे, आप वीडियो के टाइम पर सो गए हो, ये क्या बात है। हेलो दिस इज मी निवाद महान एंड वेलकम बैक टू बडी व्लॉग, वेलकम बैक टू अ वेरी ब्यूटीफुल डे ऑफ माय लाइफ विद अवर क्यूटी 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 आज का दिन बहुत ही खूबसूरत सा दिन है। आज हमें लेके जाना है इन जनाब को हॉस्पिटल फॉर हिज चेकअप। हुआ कुछ यूँ है, जो सीन है प्रॉपर मैं आपको वो बताती हूँ कि हुआ कुछ यूँ है कि हम जब डॉक्टर ने आके बताया था कि आपको बेबी बॉय हुआ है, तब उन्होंने बताया था कि आपको इनका एक अल्ट्रासाउंड करवाना है और वो अल्ट्रासाउंड दो दिन के अंदर अंदर करवा के हमें चेक करवाना है कि मतलब हुआ यूँ था कि वाटर जो था ना वो बहुत ज़्यादा कम था, तो उन्होंने कहा था कि वो पता करना है कि किस वजह से कम है, या इसकी वजह से या इसकी मामा की वजह से। तो पानी कम होने की वजह से वो अल्ट्रासाउंड करवाना है और वो करवा के डॉक्टर को फौरन चेक करवाना है। मामा भूल गई, मैं भूल गई, कल रात मुझे याद आया एंड मैंने मामा को भी याद कराया, भाई को भी बताया, सबको बताया, तो सब बस लाइक ओ शिट, हमें तो याद ही नहीं था, हमने तो कराया ही नहीं। इसकी बैली का बहुत ज़्यादा मसला है, पता नहीं क्या सीन है बैली में, थोड़ा सा मसला है। तो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, उनसे भी दोबारा कन्फर्म करेंगे कि ऐसा कुछ है या नहीं, और फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाएंगे एंड देन इंशाल्लाह लेट्स गो। अगर कोई मसला होगा, वैसे तो होप सो यही है कि कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर कोई होगा तो फिर हम उसका ऑब्वियसली इलाज करवाएंगे। दिस इज माई टुडेज आउटफिट एंड मैं, हम सब रेडी हैं, ठीक है। काका मैंने जाके नानों की गोद में डाला और वो नानों की गोद में फोक्स हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये दोनों खूब सो रहे हैं, ठीक है। अभी जब हम जाना होगा हम उठाएंगे बेबी को और निकल जाएंगे। हम सब रेडी हो चुके हैं और हम निकल के गए। हम लोग जो है वो हॉस्पिटल से लेकर आ गए थे और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट अब पता नहीं कब आएगी, लेकिन देखते हैं क्या सीन बनता है। और हम चेकअप करवाने के बाद फ़ौरन चले गए थे गोलगप्पे, नहीं दही भले खाने के लिए। तो ये PFC है जो जहाँ पे गोलगप्पे और दही भले मिलते हैं, दही भले खाए थे और बहुत ही यम्मी थे। मलाई पापा आप जैसे कर रही थी वैसे ही कीजिएगा, आई रिक्वेस्ट करें जो कर रही थी। पकड़े गद्दा, ओ माय गॉड, पकड़े नहीं, जो आप कर रही थी वो करें, गद्दे को बाहर खड़ा करें, इसका काम कर रही है। अच्छा जी, आप जो है ना कैमरे के आगे हो गया गाइस, ये देख लें गाइस। अच्छा लेट मी टेल यू कि हो क्या रहा है, हो कुछ यूँ रहा है कि हम लोग सारे जो है वो तैयारी कर रहे हैं हमारे घर जाने के लिए, बिकॉज अभी तो 40वां वगैरह जो होता है वो मायके करना होता, तो उस वजह से हम लोग जा रहे हैं हमारे घर। एंड अब सीन कुछ इस तरह से है कि पैकिंग शैकिंग जो है ना फुल ऑन चल रही है और माँ जी को आया हुआ गुस्सा, और माँ जी को गुस्सा आया हुआ है इस वजह से क्योंकि और कोई हेल्प नहीं करा रहा है, और कोई हेल्प नहीं करा रहा है तो मुझे हंसी आ रही है क्योंकि मामा चादर बिछाएं उनकी तरह, पापा की तरह इधर उधर फिर फिर के डांटी जा रही है, तू भी इन तू भी। अभी यहाँ पे कुछ सामान हम लोगों ने पैक करके रख लिया है, ठीक है। अभी ये माँ जी को सफाइयों का भी चढ़ा हुआ ना कि सफाई भी करके जानी है। हेलो, क्या चढ़ा हुआ है ना, ये चढ़ा हुआ क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है। बहुत काम है, काम करें ना कमी लड़की, हटे आगे से। अब मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगी कि मैं जलील हो रही हूँ और काम करते हुए। माँ जी अभी आप ऐसे ही बैठे रहोगे ना तो आप देखोगे कि मैं कितना दलील हो रही हूँ। चादर को बचाओ, मिट्टी चल गया बहरे हो क्या।
तुम्हारा इधर रखे ना जो टेबल थे बूथी कल ना घर मुझे ना डालना बीच में ऐसे मुझे बहुत बुरा लगे जब मैं ऐसी आ रही हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो आपको क्या है ओके गाइस तो हम लोग चीज़ें वगैरह लेकर तो आ चुके हैं हमारी शिफ्टिंग वगैरह जो है वो कंप्लीट हो गई है थोड़ी बहुत लेकिन अभी कुछ चीज़ें जो है वो वहाँ पे रहती हैं और अभी यहाँ पे जो गंदा है ना मैं आपको दिखा नहीं सकती इतना गंदा है इतना गंदा है कुछ कुछ वीडियोस में आप लोगों को नज़र आता रहा होगा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा मेसअप हुआ है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मम्मा और पापा आते थे वो भी सिर्फ और सिर्फ क्लिनिक के लिए और स्पेसिफिक टाइम के लिए तो अब हम इस जगह की सफाई करेंगे अभी दिन दिन का टाइम है हम जल्दी जल्दी सफाई कर लेते हैं उसके बाद फिर किचन वगैरह कभी करना है जो मैस यहाँ पे हुआ हुआ है थोड़ा सा आपको मैं दिखा देती हूँ बाकी ये बर्तन और इतना कुछ हुआ मैंने अब इस घर को बहुत टाइम लगा कि हमें थोड़ा बहुत जो है वो क्लीन अप करना पड़ेगा तो करके फिर आपको दिखाती हूँ ओके गाइस यहाँ से इतना सारा तो हो गया बट ये वाला अभी भी थोड़ा बहुत रहता है ये बिल्कुल बहुत थोड़ा सा रह गया तो इसको अलाइन जो है वो हम लोग कल या परसों या तरसों कभी भी करेंगे बट अभी जो है ना शाम का टाइम हो गया है हंडी रोटी का सीन है तो वो भी करते हैं और अभी तो मैं आप लोगों को अपने काके वाके दिखाती हूँ हमारे काके हैं ना वो बड़े हो गए हैं बड़े बड़े सबसे पहले तो ये बहुत ही बड़ा हो गया ये मोटू हो गया ये मेरी मोटू है लड़की है इट्स नॉट अ बॉय लुक एट द कैमरा लुक एट द कैमरा ये रोतलू काका है थोड़ा सा बड़ा हुआ है बट ये है रोतलू इधर देखो मैं इधर देखो एम एम सिम्बा ही देख रहा है सिम्बा हमारा बॉय है और ये है मैं तुझे प्यार चाहिए होता है हमेशा ओके तो ये हमारे छोटे छोटे तीन बच्चे हैं और रानी जो है वो अभी अंदर सोई हुई है सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि मैं बहुत शदीद वाला थक गई हूँ और अभी मुझे रेस्ट करना है रेस्ट लेकिन रेस्ट तो कोई करने देगा नहीं ओके गाइस अभी कुछ सीन इस तरह का है कि मामा ने जो है वो कहा है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैं जो है वो खाना बाहर से मंगवा लेती हूँ तो तब इतनी परेशान ना हो क्योंकि घर की बहुत ज़्यादा सफाई वगैरह की है ना तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है और आनी वजह से कि खाना जो है वो मामा ने बाहर से मंगवा लिया था मुझे बनाना नहीं पड़ा फुली रेस्ट अब करना पड़ा है और आप ही लोगों का सीन भी कुछ इसी तरह से है कि उन लोगों ने जो है वो हमारे घर पे आना है वैसे तो प्रोग्राम यही है कि वो हमारे घर पे शिफ्ट हो जाएंगे बट अभी कोई फाइनल नहीं है तो देखते हैं क्या सीन बनता है प्लान यही है कि सोते हैं तो आई होप सो कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब दैट्स इट फॉर द डे सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए खुश रहिए बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़